तो पहले वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा, अब इसके बाद अपन क्या लेते हैं कि अगर अपने को रिवर्स दिया रहेगा, राइट, अपने को रिवर्स देगा, बराबर, मतलब तो हम लोग कैसे करेंगे, वेरियंसेस देगा तो हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे। तो जस्ट यू रिफर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखो ना, क्योंकि इसमें फिक्स्ड ओवरहेड था ना, तो उसको बाद में कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा, एक प्रोडक्शन मैनेजर यहाँ पे क्या बोल रहा है अपने को कि अगर आप एक यूनिट बनाओगे तो आपको कितने मीटर्स लगेंगे, 2, और उसका रेट क्या रहेगा, 6। डायरेक्ट लेबर 1 आवर एट द रेट ऑफ 4.4, 1 आवर एट द रेट, मैंने आपको क्या बताया कितनी बार, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन, कर सकते हैं क्वेश्चन, या फर्स्ट स्टेप नंबर 1। इसमें तीनों आ गया अभी ना साथ में, मटेरियल वेरियंस बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, मीटर्स रेट अमाउंट, मीटर्स रेट अमाउंट, देन लेबर वेरियंस, आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट, वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस, आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट, बराबर। फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल यूसेज वेरियंस, मटेरियल रेट वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस और रेट वेरियंस। फॉर्मेट इज रेडी प्रॉपर, मटेरियल का आ गया, लेबर का एंड दिस। अब अपन देख लेते हैं क्या क्या है, व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज
एक्चुअल प्रोडक्शन 600, नहीं दिस इज 6000, मेक इट 6000, दिस इज नॉट 600, दिस इज 6000, यस गिव मी द, दिस इज 6000 यूनिट्स, 600 को यू मेक इट 6000 यूनिट्स ना, 6000 यूनिट्स बराबर, 6000 में क्या चाहिए अपने को, 2 मीटर्स है ना, तो 6000 इंटू 2 इज 12000, व्हाट इज द रेट, 6 रुपीस 72, ठीक है, 1 आवर, 6000 यूनिट्स ना, 6000 इंटू 1 आवर 6000 क्या आएगा, इंटू 4.4, 6000 इंटू 1 आवर 6000 इंटू 3 18000, 6000 इंटू 4.4 26400, अब जो मेटेरियल उसने परचेज किया है वी आर नॉट कंसर्न, उसने कितना कंज्यूम्ड किया है वी आर कंसर्न विद दिस, 12670, व्हाट वाज द रेट, 5.7, समझा, 12670 इंटू 5.7 72, या कंज्यूम्ड किया है, या दिस इज द कंज्यूम्ड किया है, इतना यूज किया है, तो प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर यूज, राइट, 12670 इंटू 5.7, ठीक है, हाँ, अब लेबर में 27950 बराबर, वेरिएबल ओवर है 24.75, बराबर, अब देखो, देख लेते हैं, देखो क्या मेटेरियल कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था, 72000, प्रशांत नहीं, क्या मेटेरियल कॉस्ट सोचा था, 72, क्या आ रहा है, 72219, इट मींस 219 एडवर्स, मेटेरियल यूसेस 12000, 12670 इंटू 6 लेस 5.7 इंटू 12670, ये 4020 एडवर्स, ये नहीं, क्या बोल रहा है, 12670 इंटू 3801 फेवरेबल ना, अच्छा अब अपने पास नहीं है देख इन्फॉर्मेशन ना, तो उसने क्या बोला है अपने को, वेरिएबल ओवरहेड क्या दे रखा है, एफिशिएंसी वेरिएंस 1500 एडवर्स, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या दे रखा है अपने को, बोल, 1500 एडवर्स है ना, एफिशिएंसी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आवर्स, हम लोगों ने कितने आवर्स सोचे होंगे, 6000, एक्चुअल आवर्स अपने को नहीं पता है, ये क्वेश्चन मार्क है ना, है ना, है ना, रेट भी क्वेश्चन मार्क है ना, 6000 माइनस समथिंग इनटू, व्हेनेवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट वी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, तो ये 3 हो जाएगा है ना, तो 1500 डिवाइड बाय 3 सिंपल जानेगा, 1500 डिवाइड बाय 3 500, और एडवर्स है इसका मतलब एक्चुअल आर्स 500 से ज्यादा रहा होगा, 1500 डिवाइड बाय 3 500, तो एक्चुअल आर्स कितना रहा होगा, 6500, और ये दोनों हमेशा आर्स क्या रहेंगे, सेम, ऑलवेज ये आर्स हमेशा क्या रहेंगे, सेम, ओके, तो 27950 डिवाइडेड बाय 6500 इज 4.3, 2475 डिवाइडेड बाय 6500
6500 आवर्स ना, थ्री पॉइंट वन फाइव, बोलो ट्वेंटी फोर सेवेंटी फाइव, सॉरी सर ट्वेंटी फोर सेवेंटी फाइव, ट्वेंटी फोर या सेम ही रहता है ना दोनों, या आर सेम रहेगा, समझा? हाँ रेट चेंज हो सकता है ना भाई, इट्स सो सिंपल। अगर मेरा फोर आवर्स का लेक्चर है, एट टू ट्वेल्व फोर आवर्स का लेक्चर है, तो मुझे फोर आवर्स का पेमेंट मिलेगा, और मेरा एसीबी कितना फोर आवर्स के लिए चलेगा, तो हमेशा ये आवर्स क्या रहेंगे सेम। लेकिन हाँ ध्यान रखना, एट टू ट्वेल्व लेक्चर था, मैं एट ओ क्लॉक आ गया, इलेक्ट्रिसिटी कौन 8:30 से चला, तो वेरिएबल ओवर लगेगा 8:30 से 8:30 टू 12, लेकिन लेवल लगेगा 4, तो अगर एबनॉर्मल एडेड टाइम है तो उसको उतना माइनस कर देने का। हाँ, तो यहां पे सपोज यहां पे एबनॉर्मल एडेड टाइम है 500 आवर्स, 6500 का पेमेंट किया है तूने, एबनॉर्मल एडेड टाइम है 500, तो वेरिएबल ओवर एट 6000 पे लगेगा, है ना? कौन सा एग्जाम्पल? दानी सर का लेक्चर 8 टू 12, दानी सर आए 8 ओ क्लॉक, 12 तक लेक्चर लिया, 4 आवर्स हो गए, बराबर। पेमेंट मुझे 4 चाहिए, लेकिन मैं आया इलेक्ट्रिसिटी गॉन, लेक्चर का भी स्टार्ट हुआ 8:30, तो 8:30 टू कितना गया 12, तो वेरिएबल ओवरहेड क्या लगेगा 8:30 टू, है ना? वेरिएबल ओवरहेड 18,000। हाँ ये वेरिएबल ओवरहेड कंप्लीट कर लें पहले, 18,000 24.75 लेस 18,000 इज 2475 एडवर्स रेट, 3.156500 975 एडवर्स। है ना, लेबर कर लेना, कुछ नहीं है फर्क। 26,400, 27,950 लेस 26,400, 1550 एडवर्स, एफिशिएंसी 6,650, 4.4 2200 एडवर्स, या बराबर ना 4.4, 4.3, 6500 650 फेवरेबल ना, देखो जरा। सुनो, ऑल राइट, समझ में आ रहा है एकदम प्रॉपर। तो ये अपने कौन से सम चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, है ना? अब एक बहुत अच्छा लास्ट सम कराता हूँ, फिर अपन ब्रेक लेंगे। 13 जरा देखो, अब एकदम प्रॉपरली करना है, 13 रीड करो बराबर से, समझो, यू ट्राई योर ओन, 13 आप खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 13 यू ट्राई योर ओन,
पहले टेबल बना लो पूरा फॉर्मेट, है ना, यही आएगा सेम, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट आएगा ना, बनाओ। फॉर्मेट बनाओ पहले, पहले फॉर्मेट बनाओ, पहले फॉर्मेट बनाइए अच्छे से ना, वी आर डूइंग क्वेश्चन 13 राइट। पहले जो जो इन्फॉर्मेशन है यू पुट, हाँ तो खुद से ट्राई करो जो जो है। एक्चुअल प्रोडक्शन यस ले सकते हैं, कैसे लेगा 1000, तेरे को कैसे मालूम है एक यूनिट को बनाने 1 kg चाहिए। हाँ तो निकालना पड़ेगा ना, वही तो क्वेश्चन है, इट्स ए फाइनल सीए का क्वेश्चन। स्टैंडर्ड मटेरियल रेट 3 रुपया, जो जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट करना पहले। एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 10,000, वेरी गुड। देन स्टैंडर्ड आर्स 1600, तो ये भी क्या रहेगा 1600, है ना। देन एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर्स 1800, तो ये भी क्या रहेगा 8। अगर एबनॉर्मल एडेड टाइम रहेगा तो उतना माइनस हो जाएगा, ठीक है। देन स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट
8000, तो ये आ जाएगा 5 रुपीज, बराबर 8000 डिवाइड बाई 1600 5। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आर 1, तो ये क्या हो जाएगा 1600। देन एक्चुअल इज 1620, तो 1620 को डिवाइड कर, तो ये तो आ जाएगा ना तेरे को 1620 डिवाइडेड बाय 1800.9, तो 1600 1620, तो वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा तेरा 28 वर्स, बोल है ना। और एफिशिएंसी में वेरिएबल ओवरहेड 1600 1800 इंटू 1 200 एडवर्स, 1 लेस 0.9 1800 180 फेवरेबल। यहां तक समझा, ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बोल। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं तेरे को, ये बोल, है एकदम प्रॉपर, नो कंफ्यूजन। ये पार्ट क्लियर हुआ तेरे को, बोल एकदम प्रॉपर। अब देख, अब अपने पास कुछ नहीं, उसने क्या बोला है अपने को, द मटेरियल यूसेज वेरियंस इज 600 एडवर्स, वो लिख सकते हैं अपन, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब जरा समझ क्या बोल रहा है, द मटेरियल यूसेज वेरियंस 600 एडवर्स एंड ओवरऑल कॉस्ट वेरियंस पर यूनिट ऑफ जेड इज 0.07 एडवर्स एज कंपेयर टू द टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज 21। तो क्यों तेरे को मिस्टेक हो रहा है, नोट नंबर 1 राइट ले ले, दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, बोलो एक्चुअल प्रोडक्शन मेरा क्या है 1000 यूनिट्स इंटू 21, क्या हो जाएगा 21000, एंड 21 में तेरे पास दो इन्फॉर्मेशन तो है, ये और ये, से सॉरी क्या आ जाएगा बोल, मटेरियल आ जाएगा, लेबर है एंड वेरिएबल ओवरहेड, लेबर कितना है 1800, वेरिएबल ओवरहेड कितना है नहीं 8000, वेरिएबल ओवरहेड कितना है ओए 1600, हाँ ये क्या हो जाएगा तेरा बैलेंसिंग फिगर, निकाल, से नाइस, से नाइस, से वेरी नाइस, से डीकेसी इज द बेस्ट, से 11400, तो 11400 इन डिवाइड बाई 3800, ओए तभी आएगा ना, इनटू किधर करेगा, 3 रुपीज रेट गिवन है ना, हाँ इलेवन फोर हंड्रेड डिवाइड बाई 3000। अभी रुक जा, अभी इसको कंप्लीट कर ले पहले, अब हाँ एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वन थाउजेंड यूनिट्स इंटू 21.07, नहीं समझा, 0.07 एडवर्स वेरियंस है ना तेरे को, हाँ हाँ हाँ, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा 21.07, उसने बोला है ना ओवरऑल कॉस्ट वेरियंस क्या है, ओवरऑल कॉस्ट वेरियंस है 0.07, तो एक्चुअल कॉस्ट तेरा क्या हो जाएगा 21070। इसके दो पार्ट, एक मटेरियल, एक
लेबर एक वेरिएबल ओवरहेड है ना, वेरिएबल ओवरहेड है तेरे पास 1620, मेटेरियल है तेरे पास 10,000, तो लेबर तेरा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 21070 माइनस 10,000 माइनस 1620 9450, सो 9450 डिवाइडेड बाई 1800 इज 5.25, समझा कि नहीं, परफेक्ट सी ए फाइनल सम। ये क्या एक सम ऐसा करेगा ना, पूरा पोर्शन हो जाएगा ना, उसके बाद आई गिव यू इम्पोर्टेंट सम, उसको हम लोग बोलेंगे डीकेसी दिस मच, उतना तू करेगा ना तेरा काम हो जाएगा। एंड अपना टारगेट ये रहना चाहिए कि बाकी के रिमेनिंग सब्जेक्ट में 40-40-40 आए तो भी निकल जाए अपना ग्रुप, राइट। इसमें अपने को मैक्सिमम करना है ना, इसी में से ये अपना क्या है डीकेसी सब कुछ, इसमें एवरीथिंग इज देयर, पास्ट पेपर्स, योर मॉड्यूल, आईसीआई का न्यू मॉड्यूल, पास्ट पेपर्स, इसका नाम क्या है डीकेसी सब कुछ, उसमें से फिर सेलेक्ट करेंगे अपन डीकेसी दिस मच, एवरी टाइम यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व एवरी सम, राइट। वो सेलेक्टेड करना है अपने को, एक अपना रहेगा प्रिपरेशन, एक अपना रहेगा रिवीजन, एंड थर्ड हाउ टू अटेंड विद द एग्जाम, वो भी बताएगा तेरे को, ठीक है। अब देख आ रहा है इंटरेस्टिंग, नाउ यू कैन टीच टू योर डूड्स, फ्रेंड्स को सिखा देगा पक्का, ओके। अब देख यहां तक कंप्लीट हुआ बोल, तो लेबर का कंप्लीट करें अपन, 8000 माइनस 9450 1450 एडवर्स लेबर एफिशिएंसी 1600 1800 इंटू 5 1000 एडवर्स 5 माइनस 5.25 इंटू 1800 450 एडवर्स, सही है सुनो है। अब आ जा मेटेरियल में, तो 11 4 भाई कॉस्ट मेटेरियल कॉस्ट, हाँ 11400 की जगह 10,000 ना, अब इधर क्या करेगा बोल, 3800 माइनस समथिंग इंटू 3, तो 600 डिवाइड बाई 3 200, बिकॉज एडवर्स है तो एड हो जाएगा, तो 4000, से नाइस 4000 2.5 3 2.5 4000, या ये फेवरेबल, राइट समझ में आ रहा है, इज ए एडवर्स वेरियंस, ऑलराइट समझ में आ रहा है बोल प्रॉपर। तो अपने को क्या क्या ध्यान रखना था अपना, कौन कौन सा हो गया अभी, सेल्स हो गया है ना, मार्जिन हो गया है ना, मार्जिन में क्या ध्यान रखने का, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, बिकॉज प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन, है ना, सेल्स मार्जिन, फिर क्या मेटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, वो भी कंप्लीट, मेटेरियल ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, लेबर ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, फिर उसके बाद रिवर्स करा दिया तेरे को, आइडियल टाइम करा दिया, राइट, और कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट, ओके, दिस इज अ वन पार्ट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बचेगा तेरा, दैट इज ए फिक्स्ड ओवरहेड, ओके। तो स्टैंडर्ड में थोड़ा आ रहा है कॉन्फिडेंस, हम लोग ने जो होमवर्क में जितने भी सम लिए आईसीआई के मॉड्यूल के लेटेस्ट वाले लिए, वो भी सॉल्व करके, लेकिन अपन सॉल्व भी करेंगे यहाँ पे क्लास में, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, सेल्स, सेल्स इज ओवर,
मार्जिन इज ओवर मेटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. नाउ यू राइट इट डाउन ना. एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन, इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन. तो मैंने आपको पहले लेक्चर में क्या बताया था, राइट, कि सपोज योर फैक्ट्री इज इन जामनगर गुजरात एंड यू आर सिटिंग इन मुंबई. एक कस्टमर आपको आता है, कभी आता है, फर्स्ट अप्रैल 2017 को आता है और वो आपको बोलता है कि सर आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1. हम उसको कैसे बताएंगे व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अगर हम प्राइस ज्यादा बोलेंगे तो कस्टमर वॉन्ट परचेज, अगर हम प्राइस कम बोलेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस. तो हम कैसे उसको बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट यू कैन डिवाइड इन टू, वन इज ए डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकेंड इज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट मटेरियल है, प्रोडक्शन मैनेजर से बात किया, बोलता है सर एक यूनिट को बनाने में 10 kg मटेरियल लगेगा. रेट मैनेजर बोलता है 10 rupees पर kg, आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 100. डायरेक्ट लेबर एक यूनिट को बनाने में 10 hours एट द रेट ऑफ 10 सपोज 100, टाइमिंग देर इज नो अदर कॉस्ट एंड दिस इज 200. नाउ इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड एंड फैक्ट्री ओवरहेड इफ इट इज इन द नेचर ऑफ फिक्स्ड. अगर ये फिक्स्ड नेचर का है, अब फिक्स्ड नेचर का है तो अपने को जो ओवरहेड है वो कब पता चलेगा, एट द एंड ऑफ 31st मार्च 2018 को अपने को पता चलेगा कि कितना खर्चा हुआ, रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, वो कब पता चलेगा, 31st मार्च 2018. लेकिन कस्टमर को प्राइस कैसे देना है, कस्टमर को प्राइस कैसे बताना है, एज ऑन टुडे. तो हम लोग उसको कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, राइट. हम उसको ये तो नहीं बोल सकते कि अप टू प्राइम कॉस्ट तक मुझे मालूम है, राइट, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम है, फैक्ट्री ओवरहेड मुझे नहीं मालूम है, राइट, तो मैं कैसे बताऊंगा प्राइस, नहीं, वो आपका प्रॉब्लम है. तो आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ रिकवरी रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, एलोकेशन रेट, एप्लीकेशन रेट, चार्जिंग रेट. क्या होता था, सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड. कौन सा पीरियड है, 1/4 2017 to 31st मार्च 2018. कौन सा पीरियड है अपना, 1/4 2017 to 31st मार्च 2018. सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, दिस इज बजट एंड दिस इज एक्चुअल, राइट, दिस इज यूनिट्स, दिस इज रिकवरी रेट एंड एक्सपेंस. दिस इज यूनिट्स एंड दिस इज एक्सपेंस. फर्स्ट अप्रैल 2017 को हम लोग हमारे एक्सपेंस मैनेजर को बोलेंगे कि भाई इफ माई पीरियड इज 1/4 2017 to 31st मार्च 2018, कैन यू एस्टिमेट ऑल द एक्सपेंसेस, बिकॉज एक्सपेंस कौन से नेचर का है, फिक्स्ड, वेदर यू प्रोड्यूस और यू डोंट प्रोड्यूस आपको वो एक्सपेंस लगने वाला है. तो उसने पूरा एस्टिमेट करके आपको बोला रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजर सैलरी, सब मिला के आपको उसने बोला ₹5 lakhs. ऑलराइट, अब हम लोग किससे बात करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर से. प्रोडक्शन मैनेजर से हमने पूछा कि अगर पूरे साल में इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल कैन यू टेल मी कितने यूनिट्स बना सकते हैं. वो आपको बोलता है से 50,000. इट मींस व्हाट इज योर रिकवरी रेट, योर रिकवरी रेट इज ₹10. अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था मैंने रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाई बजटेड यूनिट्स. बजटेड एक्सपेंस आपका कितना था, 5 lakhs. बजटेड यूनिट्स आपकी कितनी थी, 50,000. आपको रिकवरी रेट क्या आ जाएगा, 10. ये आपको कौन बताएगा, एक्सपेंस मैनेजर. ये आपको कौन बताएगा, प्रोडक्शन मैनेजर. ये आपका एक्सपेंस मैनेजर, ये आपका प्रोडक्शन मैनेजर. ये आपको क्या आ जाएगा, रिकवरी रेट. सही है सोनू,
अब आपका रिकवरी रेट हो गया 10, ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट 210, चार्ज ए प्रॉफिट ऑफ 90, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹300. आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ₹300. अब क्या होगा जब हम एक्चुअल में गए, तो सपोज एक्चुअल यूनिट्स आर ओनली 40,000, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एंड योर एक्चुअल एक्सपेंसेस आर 5,20,000. योर एक्चुअल यूनिट्स आर 40,000 एंड योर एक्चुअल एक्सपेंसेस आर 5,20,000. अभी ये साल आपका क्या हो गया, खत्म. आपको ये देखना है नेक्स्ट ईयर के लिए कि 5 लाख इज द करेक्ट फिगर और 5,20,000 इज द करेक्ट, 50,000 इज द करेक्ट फिगर और 40,000 योर आंसर इज रॉन्ग. इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस ऑफ वेरियंस. हाउ कैन यू से, अपन को देखना पड़ेगा ना. तो सबसे पहले आप क्या बनाइए इसके अंदर, दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, बराबर. फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट कितना आपने पे किया, 520, इट मींस टू बैंक एंड दिस कम्स टू 5,20,000 बाई रिकवरी. 5,20,000 आपने पे किया, डेबिट कर दिया, राइट. अब बाई रिकवरी कितना, सपोज ये क्लास का रेंट है 20,000, 20 स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो एक जन का रेंट कितना हो जाएगा 1,000, है ना. अभी सपोज 10 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो मुझे रिकवर होकर कितना मिलेगा 10,000. मैंने पे कितना किया 20,000, तो मुझे लॉस कितना हो जाएगा 10,000. उसको क्या बोल रहे हैं, अंडर रिकवर्ड, अंडर चार्ज, अंडर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एलोकेटेड. ऐसे ही मैंने पे किया 520, मेरी पॉकेट से गया 520, यूनिट्स कितने बन के तैयार हुए 40,000, एक यूनिट का रिकवरी रेट क्या है 10, तो मुझे रिकवर होकर मिल जाएगा 40,000 × 10 एंड दिस कम्स टू 4 लाख. पॉकेट से कितना गया 520, पॉकेट में कितना आया 4 लाख, कितने का लॉस हो गया 120, इट मींस बाय अंडर रिकवरी 1,20,000. आपकी पॉकेट से कितना गया 520, मैंने रेंट कितना भरा क्लासरूम का, ये क्लासरूम इसका रेंट कितना है 20,000. मैंने क्या सोचा था 20 स्टूडेंट आएंगे, एक जन मुझे कितना रेंट पे करेगा 1,000, एक जन मुझे कितना रेंट पे करेगा 1,000. अब टोटल स्टूडेंट्स आए 10, तो मुझे रिकवर होके अमाउंट कितना मिलेगा 10,000. मैंने पे कितना किया है 20, तो पे किया 20, रिकवर हुआ 10, तो 10 क्या हो जाएगा अंडर रिकवर. तो पे कितना किया 520, रिकवर होके कितना आया 4 लाख, लॉस कितने का हो गया 1,20,000. अब फॉर द लॉस ऑफ 120 हु इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 2 एंड दिस इज योर एनालिसिस ऑफ वेरियंस. एनालिसिस ऑफ वेरियंस, कितना रिकवर हुआ आपको 4 लाख, आपने कितना पे किया 520, कितने का लॉस हो गया 120. नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ये राइट. कितना आपने पे किया, कितना आपको रिकवर आओ 4, कितना आपने पे किया 520, कितने का लॉस हो गया 120. फर्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस. एक्सपेंस मैनेजर ने क्या बोला था कितना खर्चा होगा 5, कितना खर्चा किया 520, 5 लाख, उसके सामने कितना खर्चा हुआ 5,20,000, कितने का लॉस हो गया 20,000, बराबर. ये आपका क्या फॉर्मूला बन गया, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड. ये आपका क्या बन गया, बजटेड एक्सपेंस माइनस एक्चुअल एक्सपेंस. क्या सोचा था, गो वेरी लॉजिकल, कितना आपने सोचा था खर्चा होगा 5 लाख, कितना खर्चा हुआ, कितने का लॉस हो गया 20,000. यूनिट्स, कितने यूनिट्स आपने सोचे थे 50,000, एक्चुअल में यूनिट्स कितने आए 40,000. आपका रिकवरी रेट क्या हो जाएगा 10, टोटल लॉस 1,00,000. नहीं, रेट नहीं आएगा, कितने यूनिट्स आप बनाने वाले थे, रेट की जगह एक्सपेंस आ गया ना, ये एक्सपेंस फिक्स्ड है ना, 5 की जगह कितना 520, कितना लॉस हो गया. वॉल्यूम, अगर कम स्टूडेंट आएंगे तो मुझे लॉस है कि गेन है, लॉस होगा ना. 50 की जगह हमने कितना बनाया 40,
10,000 कम बनाया इंटू 10, आपको कितना लॉस आ गया। फॉर्मूला क्या हो गया आपका, बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स इंटू रिकवरी। समझे या नहीं समझे। नाउ यू आस्क दैट पर्सन की वेदर दिस लॉस इज ए कंट्रोलेबल लॉस और अनकंट्रोल। हम उसको बोलेंगे सर आपने तो बोला था 5 लाख खर्चा होगा भाई, दिस इज 5,20,000। नहीं तो वो बोलेगा नहीं सर दिस टाइम व्हाट हैपेंड, देयर वाज ए इलेक्शन इन गुजरात, आई हैव पेड 20,000 रुपीज डोनेशन बट रॉन्गली डेबिटेड टू ओवरहेड अकाउंट। इट मीन दिस इज ए कंट्रोलेबल लॉस, हाउ कैन यू पुट डोनेशन इन टू ओवरहेड अकाउंट, है ना। या सेकंड वो बोलता है नहीं सर मेरे से मिस्टेक हो गया विद द फैक्ट्री, इधर इज वन गोडाउन इज ऑल्सो अटेस्ट, गोडाउन का रेंट था 20,000, वो मैं लेने को भूल गया, तो दैट इज अनकंट्रोलेबल। तो उसके ऊपर अपने को डिपेंड करेगा, वी कांट से लाइक दिस। हाँ कंट्रोलेबल ना वो, आप हाउ कैन यू पुट दिस अकाउंट इन टू दिस। आप दैट इज एबनॉर्मल लॉस, दैट इज सही है सोनू। ओके तो अभी एकदम प्रॉपर थोड़ा थोड़ा समझ में आया है क्या कर रहे हैं हम लोग, वो समझ में आया क्यों कर रहे हैं। देखो यू डिवाइड इन थ्री पार्ट्स, फर्स्ट इज ए प्रिपरेशन, सेकंड इज ए रिवीजन, थर्ड इज ए हाउ टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। प्रिपरेशन यू डिवाइड इन टू, फर्स्ट व्हाट इज टॉपिक इटसेल्फ, सेकंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ। फर्स्ट व्हाट इज द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन डिवाइड इन टू, व्हाट इज टॉपिक इटसेल्फ एंड सेकंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ, सेकंड रिविजन, थर्ड हाउ टू अटेम्प्ट, है ना। अब मैं आपको पूरा डिटेल में लेके चलता हूं, मतलब मैक्स टू मैक्स दे कैन आस्क दिस मच इन द एग्जाम, ठीक है। देखो जरा पूरा ध्यान देना क्योंकि जब तू करने बैठेगा ना ये लाइब्रेरी में तेरे को डूड लोग पढ़ने ही नहीं देंगे, राइट। बोले अरे बॉस स्टैंडर्ड जमता नहीं है, ऐसा नहीं है, तो तेरे को इस तरह का होना चाहिए कि यू कैन टीच देम। अगर तू टीच करेगा तो वो बोलेंगे अरे बॉस किधर सीखा तूने करके, ना नहीं तो, है ना। तो फर्स्ट देख जरा, फर्स्ट सपोज पूरा डिटेल में लेके चलता हूं तेरे को, 1/4/2017 टू 31st March 2018, ये एक तेरा पीरियड है, बड़ा ध्यान से सुन, है ना। दिस इज बजट एंड दिस इज एक्चुअल। फर्स्ट यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस, यूनिट्स एक्सपेंस, आवर्स रिकवरी रेट एक्सपेंस, आवर्स एक्सपेंस, डेज रिकवरी रेट एक्सपेंस, डेज एंड दिस इज द मैक्सिमम सिचुएशन। इसके बाहर तेरे से कुछ भी नहीं पूछ सकता है, इसके बाहर तेरे को कुछ भी पूछेगा नहीं। दिस इज द मैक्सिमम सिचुएशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, बराबर। ये तेरा पीरियड कौन सा है, दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड। अपना स्टेप नंबर वन क्या रहता है, टेबुलर फॉर्म, जो भी इंफॉर्मेशन है पहले तू उनको इसमें पुट कर दे, फिक्स्ड ओवरहेड। ओके इसको अभी न्यू में बोलते हैं डीकेसी इंटर, इंटर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिक्स्ड ओवरहेड एनालिसिस, बराबर। अब देख यू आस्क योर एक्सपेंस मैनेजर, अपना पीरियड है 1/4/2017 टू 31st March 2018, कैन यू टेल मी अगर पूरे साल में एवरीथिंग इज गोइंग वेल हमारा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा। अब उसने पूरा लिस्ट बनाया, इंश्योरेंस टैक्सेस डेप्रिसिएशन सुपरवाइजर सैलरी सब मिला के, सब मिला के बोल दिया 6 रुपीज 6 लाख। आप प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन मत करो, आपको जो टोटल ओवरहेड है वो कितना लगेगा, 6 लाख। ओके एज पर कॉस्टिंग स्टैंडर्ड 2 एंड 3, एज पर कॉस्टिंग स्टैंडर्ड 2 एंड 3 इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, राइट। 2 एंड 3 देर आर 4 टाइप्स ऑफ कैपेसिटी, एज पर कॉस्टिंग स्टैंडर्ड 2 एंड 3 देर आर 4 टाइप्स ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी फर्स्ट, इसको बोलते हैं फुल कैपेसिटी, कभी कभी थ्योरी में भी आ जाता है ये ना, फुल कैपेसिटी फिर नंबर वन। नंबर टू को हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी,
ठीक है। नंबर थ्री हम लोग बोलेंगे नॉर्मल कैपेसिटी, एंड फोर्थ इसको बोलेंगे हम लोग एक्चुअल कैपेसिटी। अभी सपोज कोई सीए इंटर स्टूडेंट है, उसको सीए इंटर का एग्जाम देना है, उसका कैपेसिटी अपन को देखना है कि कैसे। तो वो चाहे तो दिन का 24 आवर्स पढ़ सकते हैं, उसका कैपेसिटी तो है ना, अगर वो चाहे तो 24 आवर्स पढ़ सकता है। डीकेसी इंटर स्टूडेंट है, कोई डीकेसी स्टूडेंट कितना पढ़ सकता है इंटर में है तो 24 आवर्स, लेकिन 24 आवर्स इज नॉट पॉसिबल राइट, क्योंकि 24 आवर्स में से उसको अपने को 8 आवर्स किसके लिए देना पड़ेगा, स्लीपिंग के लिए, नहीं तो कैसे पढ़ेगा वो सेकेंड डे, है ना। 2 आवर्स फेसबुक व्हाट्सएप एंड ऑल राइट, तो उसका कैपेसिटी कितना बचा 14 आवर्स, तो उसको 14 आवर्स पढ़ना चाहिए। ज्यादा पढ़ेगा तो गारंटी नहीं है कि पास हो जाएगा, लेकिन कम पढ़ेगा तो गारंटी है फेल हो जाएगा राइट। तो 14 आवर्स बोलता है सर थोड़ा ज्यादा हो गया 14 राइट, तो प्रैक्टिकल ये उसका कैपेसिटी, तो फिर वो नॉर्मल कैपेसिटी में है। पहले कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुन लिया, फर्स्ट डे 24 आवर्स पढ़ लिया, सेकेंड डे उसका ब्रेकडाउन हो गया 2 आवर्स में आ गया, फिर अपनी औकात में आ गया 11, 12, 13, दिस इज वेरी हाई इसको छोड़ देंगे अपन, दिस इज वेरी लो इसको छोड़ देंगे, और इसका एवरेज ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा नॉर्मल कैपेसिटी। तो नॉर्मली वो कितना पढ़ सकता है, इट मीन्स 11 + 12 + 13, 36 divided by 3, 12 आवर्स ऑन एन एवरेज वो पढ़ सकता है राइट। और फोर्थ आता है एक्चुअल कैपेसिटी, वो कब पता चलेगा, एग्जाम के बाद, कि उसने एक्चुअल में कितना पढ़ाई किया वो कब पता चलेगा, एग्जाम के बाद, बराबर। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल कॉल टू प्रोडक्शन मैनेजर, है ना, बहुत ध्यान से सुनना ये, प्रोडक्शन मैनेजर हम उसको बोलेंगे साहब आपका कैपेसिटी कितना है, वो बोलेगा सर फैक्ट्री 365 डेज चालू रहता है, हम बोले संडे, बोले सर संडे को बंद रहता है, संडे इज हॉलीडे, फिर अदर हॉलीडेज होली दिवाली दशहरा वैलेंटाइन डे सब मिला के बोलता है सर 13, तो आपका कितना रहा 300 डेज आपका क्या हो गया नॉर्मल कैपेसिटी। ओके तो क्या हो जाएगा, इट मींस 6 lakhs / 300 एंड दिस कम्स टू 2000, दिस इज 6 lakhs पर डे। अगर आपको रिकवर करना है तो एक दिन का आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा 2000। वॉट इज योर रिकवरी रेट, रिकवरी रेट इज बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाई बजटेड वॉल्यूम, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाई बजटेड वॉल्यूम, बजटेड एक्सपेंस आपको दे रखा है, बजटेड वॉल्यूम आपको दे रखा है, आपका रिकवरी रेट क्या आ जाएगा 2000। सही है सुनो, फिर आप बोलते हो नहीं सर मजा नहीं आया करके ना, अपने को तो पर यूनिट चाहिए, तो आपने देखा कि 300 डेज है मेरे पास, यूनिट्स यूनिट्स में चाहिए ना पर यूनिट अपने को, तो कैसे जाएंगे वहां 300 डेज। हम उसको पूछे कितने वर्कर हैं, बोलता है 10 वर्कर, एक वर्कर एक दिन में बोले 10 आवर्स काम करता है, इट मींस कितना हो गया 30,000 आवर्स, आपका रिकवरी रेट क्या आएगा 20। उसके पास 10 वर्कर्स हैं, एक दिन में वो 10 आवर्स काम करेगा 300 × 10 × 10 = 30,000, फिर क्या होगा 6 lakhs। अब 1 आवर में ये सब क्या है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जितने भी ट्यूटर हैं जितने भी टीचर्स हैं वो लोग क्या है, दे आर नॉट लाइक यू नो इन कंसल्टेंसी, दानी की कॉस्टिंग, वी हैव ए इंटरनेशनल फर्म राइट, वी आर इन कंसल्टेंसी, तो वी नो हाउ दिस इज डिराइव्ड इन एवरीथिंग। इफ यू टेक अदर टीचर्स है ना, दे डोंट नो हाउ दैट कॉस्टिंग सिस्टम इज वर्किंग, वो जस्ट सम्स करा देगा तेरे को, तो यू डोंट गेट द कॉन्फिडेंस ओनली राइट। दानी की कॉस्टिंग हमारे साथ, आपको एग्जाम में आपसे क्या पूछता है, दे थिंक यू आर ए कॉस्ट कंसल्टेंट, अपन ने तो कॉस्टिंग का कभी काम नहीं किया है, तो हम कैसे आंसर करेंगे। ओके सो थिंक एज ए कॉस्ट कंसल्टेंट, मेरे साथ दानी की कॉस्टिंग में सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, कि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज आई एम ए कॉस्ट कंसल्टेंट, मेरे लिए डे टू डे काम है, इसके लिए यू फील कि नहीं यार मजा आ रहा है करके यू नो। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि जब तक अगर अपने को रिकवरी रेट नहीं रहेगा हम लोग कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्यों चाहिए रिकवरी रेट, बिकॉज वी वॉन्टेड टू नो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अपने को प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए चाहिए राइट। फिर हम लोगों ने उससे पूछा 30,000 आवर्स, बोलता है साहब 1 घंटे में आई कैन प्रोड्यूस 2 यूनिट्स, 1 आवर में आई कैन प्रोड्यूस 2 यूनिट्स, इट मीन्स आपके आवर्स कितने हो जाएंगे
60,000 and your recovery rate is rupees 10. आपका recovery rate क्या हो जाएगा? 10 rupees. Say yes or no. बराबर, ये पूरा क्लियर हुआ? जब हम लोग एक्चुअल में करने गए, यूनिट्स आर 50,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस रुपीज 620, एक्चुअल आर्स 32,000, एक्चुअल एक्सपेंस 620, एक्चुअल डेज 301 एंड एक्चुअल एक्सपेंस 620. ऐसा प्रैक्टिकल में पॉसिबल है या नहीं? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो, एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि नहीं? एक्चुअल में एक्सपेंस ज्यादा हो सकते हैं ना आपने, है ना? तो जस्ट राइट इट डाउन, इसको गिवन करके पूरा कॉपी कर ले, ये भी कर लेना ताकि याद रहेगा ना, सीए इंटर का, डीकेसी सीए इंटर स्टूडेंट का एग्जाम्पल ना, ताकि तेरे को याद रहेगा. हाँ, इतना पूरा गिवन करके लिख ले तू. स्टेप नंबर वन, पूरा गिवन करके लिख लेना. तो पहले जो भी इंफॉर्मेशन है उनको मेरे साथ, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि बिकॉज वी आर डूइंग एवरी डे दिस, है ना, तो यू विल गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो, राइट? ओके, अभी अपने को देखना है कि नेक्स्ट ईयर के लिए व्हाट इज द करेक्ट फिगर, 6 लैक्स और 6,20,000. क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. वी हैव टू सी वेदर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल. 60,000 यूनिट्स इज करेक्ट और 50,000 यूनिट्स इज करेक्ट. क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस ऑफ, बोलो, वेरियंस, राइट? तो एनालिसिस ऑफ वेरियंस का मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले, बिकॉज आगे चल के अपन को सब मिसिंग फिगर के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, राइट? तो सबसे पहले यू मेक द अकाउंट. दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट.
कितना पे किया हम लोगों ने, बाद में कॉपी करना, पहले समझो। टू बैंक कितना पे किया, 6,20,000, कितना पे किया 620। हमारी पॉकेट में क्या आएगा, बाय रिकवरी 50,000 इंटू 10 एंड दिस कम्स टू 5 लैक्स, बाय अंडर रिकवरी एंड दिस कम्स टू 1,20,000। आपने कितना पे किया 620, आपके पॉकेट में कितना रिकवर होके आया 5 लैक, आपको लॉस कितना हो गया 1,20,000। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस 6,20,000 माइनस 5 लैक्स, आपको लॉस आ जाएगा 1,20,000। आपको फिक्स्ड ओवरहेड कितना आपको रिकवर हुआ, आप ऐसे ले लो, कितना रिकवर हुआ आपको पॉकेट में, कितना आया बोलो 5 लाख। आपने पे कितना किया 20,000, कितने का लॉस हो गया 120। फॉर्मूला क्या हो गया, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। कितना रिकवर हुआ 5 लाख, कितना पे किया 620, कितने का लॉस हो गया 120। नाउ गो, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, बाद में कॉपी करो, पहले समझो। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, इट मीन्स एक्सपेंडिचर मैनेजर। एक्सपेंडिचर मैनेजर ने क्या बोला था, कितना खर्चा होगा 6 लैक्स, खर्चा कितना किया 6,20,000, कितने का लॉस हो गया 1,20,000 एडवर्स। ये फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, बराबर, वॉल्यूम मतलब हु इज रेस्पॉन्सिबल, प्रोडक्शन मैनेजर। उसने क्या बोला था, कितने यूनिट्स बनेंगे 60, बनाए कितने 50, व्हाट इज द रिकवरी रेट 10, हाउ मच इज द लॉस 1,00,000 एडवर्स। इट मींस बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स इनटू रिकवरी रेट, 1,00,000 का लॉस, ये 20,000 का लॉस और 1,20,000, 6,6 की जगह कितना खर्चा हुआ 6,20,000। इज दिस क्लियर है, yes. अभी इसके और ब्रांचेस खोलेंगे, ओके okay? तो पूरे फुल पेज पे जरा ये बना ले, राइट right? इतना कॉपी कर ले पहले फुल। ओके okay? कितना पे किया 620, कितना रिकवर हुआ 50,000 इंटू 10 5 लैक्स, कितने का लॉस हो गया 120, राइट, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। ओके तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल पे किया 620, रिकवर हो गया है 50,000 इंटू 2, कितना हो गया पॉकेट में रिकवर 5 लाख, कितना हो गया पॉकेट में रिकवर 5 लाख, लॉस कितना हो गया 120। इट मींस रिकवर्ड ओवरहेड 5 लाख, एक्चुअल ओवरहेड 620, कितने का लॉस हो गया 1,20,000। नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एक्सपेंस मैनेजर। एक्सपेंस मैनेजर ने क्या बोला था, कितना खर्चा होगा 6 लाख, उसने खर्चा कितना किया 620, कितने का लॉस हो गया 20,000। प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला 60 की जगह कितना प्रोड्यूस किया 50, कितना कम हुआ 10,000 इंटू 10, आपका कितना लॉस हो गया
सही है सोनू, अभी हम लोग प्रोडक्शन मैनेजर को बोलते हैं कि सर अगर आप कम यूनिट्स बनाओगे तो इट्स बैड, क्योंकि हमको कम रिकवर होगा, राइट, इसके लिए आपकी वजह से लॉस हो गया। अब सपोज योर प्रोडक्शन मैनेजर इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, उसको कुछ भी कॉस्टिंग का ऐसा कुछ भी समझता नहीं है, वो आपको क्या बोलता है, सर यू डोंट रिकवर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, यू रिकवर ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, यू डोंट रिकवर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, यू रिकवर ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, तो मेरी वजह से तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए, 30 की जगह आपने 32,000 मैंने आवर्स काम कर लिया, 2,000 ज्यादा किया, इन 2,000 इंटू 20 तो 40,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, देन हाउ कैन यू से देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस, बराबर, और दूसरा अपना आएगा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, कैपेसिटी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ आवर्स, बराबर। अब देखो हम इसको क्या बोलते हैं, आपका कैपेसिटी था 30,000, काम किया 32 इंटू रिकवरी रेट 20, तो कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 40,000, हम लोग ने पे किया 30,000 आवर्स के लिए, काम किया 32,000, 2,000 आवर्स ज्यादा काम किया तो ज्यादा प्रोड्यूस हुआ होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा रिकवर होगा, तो 40 का प्रॉफिट होना चाहिए, फिर 1 लाख का लॉस क्यों आ रहा है, वेरी लॉजिकल। देखो आप क्या बोले थे, यूनिट्स एंड आवर्स, प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोला था, अगर 60,000 यूनिट्स बनाएंगे तो कितने आवर्स लगेंगे, 30,000, देखो इधर 60,000, 60 के लिए कितने लगेंगे, 30,000 आवर्स, आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया 50, तो कितने आवर्स लगने चाहिए, 60,000 यूनिट्स को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, 30,000, तो 50 को बनाने में कितने लगने चाहिए, 25, और 25 वाला काम आपने कितने आवर्स में कंप्लीट किया, 32, 25,000 वाला आपने काम कंप्लीट किया है 32 में, इट मीन्स यू लॉस्ट 7,000 आवर्स, और एक आवर का कॉस्ट है 20 रुपीज, तो आपको लॉस कितना हो गया, 1,40,000। 60,000 यूनिट्स को बनाने में कितने आवर्स चाहिए, 30,000, 60,000 यूनिट्स को बनाने में कितने आवर्स चाहिए, 30,000, तो 50,000 को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे, 25, और 25 वाला काम आपने कितने में किया, 32, तो 7,000 आवर्स तो आपने लॉस्ट कर दिए ना, ये प्रोडक्शन तो 25 में ही होना चाहिए, अरे बोलो यस और नो, कितने का लॉस हो गया, 1,40,000। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं 2 आवर्स लेगा एक चैप्टर कंप्लीट करेगा, बराबर, अभी मैंने 4 आवर्स लेक्चर लिया तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, 2 टॉपिक होना चाहिए कि नहीं, 2 आवर्स 1 टॉपिक, मैंने आपका लेक्चर 4 आवर्स लिया और टॉपिक कंप्लीट किया ओनली 1.5, तो आपको चलेगा क्या, आप बोलोगे सर यू आर नॉट एफिशिएंट, आप आके टाइम पास करते हो क्लास में, आप आते हो पढ़ाते हो लेकिन आपने टॉपिक तो कंप्लीट ही नहीं किया ना, मैं तो इधर पढ़ने के लिए आता हूँ ना, आपने क्या बोला था 2 आवर्स में 1 टॉपिक, तो 4 आवर्स में 2 टॉपिक होना चाहिए, तो यू आर नॉट एफिशिएंट, मतलब आपने काम किया टाइम पास किया प्रोडक्शन नहीं किया, जब प्रोडक्शन नहीं किया तो रिकवर नहीं होगा ना, सही है सोनू, तो इसको क्या बोलते हैं, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रिकवरी रेट, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बराबर माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रिकवरी, इतना कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद दो और लास्ट, दिस इज द कंप्लीट, हाँ इसके बाहर कुछ भी नहीं है, राइट, फोर्टी थाउजेंड का ये, इट मीन्स ये आपका हो जाएगा बजटेड आवर्स माइनस
एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट, समझे ने? इज दिस क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया? अब लास्ट अब का बचता है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरियंस और फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरियंस। कैलेंडर वेरियंस मींस नंबर ऑफ डेज, आपने पे कितने का किया 300, आपको काम करने को मिल गया 301, आपने पैसा कितने के लिए दिया 300 और काम करने को मिल गया 301, वन डे ज्यादा मिला, ज्यादा मिला तो ज्यादा आर्स काम होगा, ज्यादा आर्स काम होगा ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा ज्यादा रिकवर होगा, कितना ज्यादा रिकवर होगा 2000, क्या हो जाएगा आपका 2000 फेवरेबल। इट मींस बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज इनटू रिकवरी रेट। सही है, सुनो लास्ट आपका बचता है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज कैपेसिटी। इट मींस डेज एंड आवर्स, 300 डेज आपका कैपेसिटी था 30,000 आवर्स, 300 डेज में आपका कैपेसिटी क्या था 30,000 आवर्स, आपने कितने दिन काम किया 301, तो आपका कैपेसिटी क्या होना चाहिए 30,100 क्रॉस मल्टीप्लाई, 300 डेज में आपका कैपेसिटी क्या था 30,000, तो 301 में आपका कैपेसिटी क्या होना चाहिए 30,100, तो 30,100 आपका कैपेसिटी था, फिर भी आपने काम कर लिया 32, इट मीन्स यू आर वेरी एफिशिएंट, 1900 आवर्स ज्यादा काम किया इनटू 20, आपको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 38 का ये प्रॉफिट, 2 का ये प्रॉफिट आपका कितना हो गया 40,000, लेकिन आपने आवर्स काम किया लेकिन प्रोडक्शन नहीं किया, मैं आया बड़बड़ करके गया, दानी की कॉस्टिंग बोल के गया, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल में सिखाया नहीं तो नहीं आएगा, तो ये इतना कॉपी कर लो, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, दिस इज द मैक्सिमम, इसके बाहर औकात नहीं है किसी का भी, राइट? इट मीन्स बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज माइनस एक्चुअल आवर्स इन एक्चुअल डेज इनटू रिकवरी रेट। सुनो प्रॉपर, कुछ भी पूछ रहे हैं, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस एंड दिस दिस, ओके आराम से यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप जरा ट्राई करिए, पहले टेबल बनाइए अच्छे से समझिए, क्वेश्चन नंबर 15 खुद से ट्राई करिए, एवरीवन खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 15, पहले टेबल बनाइए, खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज नो नीड टू राइट द फॉर्मूला इन द एग्जाम, राइट? गो लॉजिकल, ओके? क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखो, कैन यू प्रिपेयर द टेबल, बोलो या सुनो, बनाइए टेबल, फर्स्ट टेबल बनाइए आप, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस, राइट? स्टेप नंबर 1, ऑलवेज पुट ऑल द इंफॉर्मेशन इनटू टेबुलर फॉर्म, बजटेड यूनिट्स
30,000 बजटेड आर्स, 30,000 45 बजटेड डेज 25 बना सकते हैं टेबल, एक्चुअल डेज 26 एक्चुअल आउटपुट 32,500 एक्चुअल आर्स 33,000 एक्चुअल ओवरहेड्स 50,000 1.5 1.5 1800। ये टेबल क्लियर हुआ कि नहीं बोलो, समझ में आ रहा है टेबल? स्टेप नंबर वन, व्हाट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव, स्टेप नंबर वन व्हाट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू जस्ट ट्राई टू पुट इन टू द टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट टेबल बनाइए आप, टेबल में इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि नहीं बोलिए प्रॉपर। ऑलराइट, बना सकते हैं? पहले अकाउंट बनाओ, क्या करेंगे बोलो? टू बैंक 50,000 by recovery 32,500 into 1.5 कितना आया? 48,750। तो भाई अंडर रिकवरी लेस 50,000 1250 कितना रिकवर हुआ? 48,750 कितना पे किया? 50 कितने का लॉस हो गया? 1250 फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस रिकवर्ड माइनस एक्चुअल 45 कितना पे किया? 50,000 कितने का लॉस हो गया? 5,000
फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम 30,000 यूनिट्स, उसके सामने हमने कितना बना लिया 32,500, पे किया 30 के लिए, बना लिया 32,500 इज गुड। अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट्स, ये प्रमाइसिस का रेंट 20,000, एक स्टूडेंट से रिकवर करूंगा 1,000, आ गए 22 स्टूडेंट, इज गुड और बैड? इट्स गुड, टू स्टूडेंट ज्यादा आ गए ना, 30 का पे किया, 32,500 बनाया, क्या आएगा 3750 फेवरेबल, से यस ऑर नो? 3750 फेवरेबल, थ्री सेवन फाइव जीरो फेवरेबल, 5,000 एडवर्स, 1250 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ आवर्स, से यस ऑर नो? 30 का कैपेसिटी था, 33 काम किया, इंटू 1.5, क्या आ जाएगा 4,500 फेवरेबल। 30 का कैपेसिटी था, काम किया 33, 30 का कैपेसिटी था, काम किया 33, इट्स गुड और बैड? इट्स गुड, बराबर। 30 का कैपेसिटी था, काम किया 33 इंटू 1.5 कितना आ गया 4,500, बोलो फेवरेबल। 30 का कैपेसिटी 33 है ना, अब देखो यूनिट्स क्या बोला था, 30,000 यूनिट्स को कितने आर सी ए 30, हम लोगों ने कितना बनाया 32, तो कितने आर्स लगने चाहिए 32, लेकिन 32,500 वाला काम आपने कितने में किया है 33 में, 500 घंटे का लॉस कर दिया, इंटू 1.5 750 एडवर्स, बोलो 750 एडवर्स। 25 डेज कैलेंडर 26 इंटू 1800 फेवरेबल। 30,000 यूनिट्स, देखो इधर 30,000 यूनिट्स 30,000 आवर्स, 32,500 यूनिट्स 32,500 आवर्स, 32,500 आवर्स वाला काम आपने कितने में किया है 33, यू आर नॉट एफिशिएंट, आपने 500 घंटे लॉस कर दिया, 750 का लॉस। 25 डेज 25 की जगह 26 इंटू 1800 कितने का प्रॉफिट 26, राइट? नाउ डेज 25 आवर्स 30,000, तो 26 में 30,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 26 31,200 के सामने 33 इज गुड इंटू 1.5 2,700 फेवरेबल। कौन सा? नो नो नो, रिकवरी रेट इधर आर्स डेज में, प्रॉपर क्लियर हो रहा है? नो कंफ्यूजन। अच्छा, अगर सपोज एबनॉर्मल एडल टाइम दे रखा है तो उसको माइनस कर देंगे, 16 देखो जरा, ये एकदम क्लियर हुआ ना, एकदम प्रॉपर, 16 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 16, इफ देर इज ए एबनॉर्मल आइडल टाइम, आप उसको कैलकुलेशन से क्या करिए माइनस, बराबर। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो जरा बराबर से, कैन यू मेक द टेबल, बना सकते हैं, बनाओ। फर्स्ट स्टेप नंबर वन टेबुलर फॉर्म, स्टेप नंबर वन
टेबुलर फॉर्म, बजट एक्चुअल, यूनिट्स रिकवरी रेट, बजटेड यूनिट्स 1 लाख, बजटेड आवर्स 20,000, बजटेड डेज 25, 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000, 2.4, 12,9,600. All right. Actual expenses 2,64,600. 2,64,600. 2,64,600. Actual hours 25,200 minus idle time. You can't recover on ideal time, right? Production नहीं हुआ तो कैसे 20, 160 days, 25, बोलो, days 24, yes, 24 actual days, and actual units 1,26,000. बोलो, टू बैंक, वेरी गुड, टू बैंक कितना आ जाएगा 264,600 बाई रिकवरी, खुद से ट्राई करो, 126 × 2.4, 164, hey, अंडर रिकवरी किधर है वे, ओवर रिकवरी पेड 264, रिकवर्ड 302, टू ओवर रिकवरी, थर्टी सेवन एट हंड्रेड फेवरेबल. या इट्स गुड ना, आपने पे किया कम और आपको मिल गया ज्यादा ना. फिक्स्ड ओवरहेड, एक्सपेंस वेरियंस, क्या एक्सपेंस सोचा था बोलो, 240, क्या एक्सपेंस आ गया 264,600, 24,600 एडवर्स, सही है सुनो. क्या एक्सपेंस सोचा था, एक्सपेंस मैनेजर ने बोला था 240, एक्चुअल उसने क्या एक्सपेंस कर दिया 264,600, कितने का लॉस हो गया 600. यूनिट्स 1 लाख, 1 लाख के सामने 1,26,000 × 2.4, 1,26,000 less 1,00,000 × 2.4, 62,400 फेवरेबल, 62,400 लॉस 24,600, आपको आना चाहिए सेम, देखो आ रहा है टेली, तो ये क्या आगे अपने को काम देगा मिसिंग फिगर्स में, अभी जैसे किए थे ना सम वेरिएबल ओवरहेड वाले एंड ऑल, तो ये चार्ट फॉर्मेट आपको हेल्प करेगा इन मिसिंग फिगर्स. फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर 25, 24, 9,600, 9,600 एडवर्स,
पे किया है अपन ने किसका, बोलो। हाँ ये रॉन्ग हो गया ना। कितने आवर्स का कैपेसिटी था अपना, 20,000, बोलो, और काम किया 20,160 इज गुड इंटू 12, बोलो 1920 फेवरेबल, 1920 फेवरेबल, राइट। यूनिट्स 1 लाख, आवर्स 20,000, यूनिट्स 1 लाख, आवर्स 126, 20,000 इंटू 126 डिवाइडेड बाई 100 इज 25,200, 25,200 के सामने 20,160 इंटू 12, 60,480 एडवर्स फेवरेबल, 6480 फेवरेबल, मीन्स 1 लाख यूनिट्स को बनाने में कितने आर्स चाहिए, 20,000, तो 126 को बनाने में 25,200, और 25,200 वाला काम कितने में हुआ है, 20,160 में, इज गुड। कैलेंडर 25 डेज का पेमेंट किया, काम किया 24, एक दिन कम किया, 25 का पेमेंट 24 काम किया, 9600 एडवर्स। नाउ 25 डेज योर कैपेसिटी इज 20,000 आवर्स, तो 24 डेज 19,200 माइनस 20,160 इंटू 12, 11,520 फेवरेबल, ज्यादा मिल गया ना अपन को, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। कुछ भी पूछना है, 100% क्लियर, नो कंफ्यूजन। ओके, इतना करो, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है, चलो।